हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में दुनिया के सबसे लंबी उम्र वाले एनिमल्स के बारे में बात करने वाली हूँ। तो मेरे चैनल में कोई नए व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नंबर 9, बोहेड व्हेल लंबी उम्र वाले लिस्ट में सबसे नीचे है। ये आर्कटिक और उपआर्कटिक सागरों में पाई जाती है। नेशनल ओशियनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 100 साल तो ये आराम से जीते हैं, लेकिन कुछ 200 साल से ज़्यादा भी जी जाती है। इनकी शरीर में एक जीन होता है जिसे ERCC1 कहते हैं। ये जीन शरीर में खराब हो रहे DNA को सुधारता रहता है। ये मछलियों में कैंसर जैसे भयानक बीमारियां नहीं होती। दूसरा एक जीन होता है जिसे कहते हैं PCNA। ये जीन पुराने सेल्स की जगह नई सेल्स बनाती है। नंबर 8, रोंगे रॉकफिश सबसे ज़्यादा जीने वाली मछलियों में से एक है। वेक्सिंगटन डिपार्टमेंट ऑफ फिश एंड वाइल्ड लाइफ के मुताबिक ये कम से कम 205 साल तक जिंदा रहती है। गुलाबी भूरे रंग की यह मछली प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया से लेकर जापान तक पाई जाती है। ये 38 इंच तक लंबी हो सकती है। नंबर 7, फ्रेश वाटर पर्ल मुसल ऐसे जीव होते हैं जो पानी में मौजूद खाने के बारीक कोनों को फिल्टर करके अपना पेट भरते हैं। ये आमतौर पर नदियों और धाराओं में पाए जाते हैं। ज़्यादातर यूरोप, अमेरिका और कनाडा में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मुताबिक सबसे पुराना फ्रेश वाटर पर्ल मुसल 280 साल के है। ये इतना ज़्यादा दिन इसलिए जिंदा रहते हैं क्योंकि इसकी पाचन क्रिया बेहद धीमी होती है। नंबर 6, ग्रीनलैंड सर्फ आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक महासागर में काफ़ी ज़्यादा गहराई में रहती है। ये 24 फीट तक लंबी हो सकती है। साइंस जर्नल में साल 2016 में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक इनकी उम्र 272 साल की होती है, जबकि सबसे ज़्यादा जीने वाले ग्रीनलैंड सर्फ की उम्र 392 साल है। हालांकि कुछ रिसर्चर्स ने माना है कि ये 512 साल तक भी जी सकती है। नंबर 5, क्यूबर्म गहराई समुद्र में बेहद ठंडे इलाकों में रहते हैं। साल 2017 में द साइंस ऑफ नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको की खाड़ी में क्यूबर्म की एक ऐसी प्रजाति मिलती है जो 200 साल से जीवित थी, जबकि कुछ प्रजातियां इससे भी ज़्यादा 300 साल से ज़्यादा जिंदा रहती है। नंबर 4, ओशियन क्यूहॉक क्लैम उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। नमकीन पानी में पाए जाने वाले ये जीव अपने जैसे अन्य प्रजातियों की तुलना में ज़्यादा सालों तक जिंदा रहता है। नेशनल म्यूजियम कार्डिफ वेल्स के मुताबिक आइसलैंड के तट पर साल 2006 में एक ओशियन क्यूहॉक क्लैम मिला था जिसकी उम्र 507 साल थी। इस प्राचीन क्लैम का नाम दिया गया मिंग। ये 1499 में पैदा हुआ था जब चीन में मिंग साम्राज्य शासन करता था। नंबर 3, ब्लैक कॉरल अक्सर बेहद रंग बिरंगे सुंदर से दिखने वाले समुद्र जीव होते हैं। कई बार तो ये पेड़ पौधे की तरह लहराते हुए भी दिख जाते हैं। असल में ये लहराते हुए कॉरल प्लॉप्स कहा जाता है। ये एक तरह की इकोस्केल्टन जैसे होते हैं। ये अपने जैसे जेनेटिकल कॉपी बनाते रहते हैं। जब कई सारे प्लॉप्स एक ही जेनेटिक सीक्वेंस से मिलकर जुड़ते हैं तो वो कॉरल बना लेते हैं। आमतौर पर कॉरल सैकड़ों साल जीते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गहरे में मिलने वाले ब्लैक कॉरल सबसे ज़्यादा जिंदा रहने वाले कॉरल कहा जाता है। नंबर 2, ग्लास स्पॉन्ज आमतौर पर कई जीवों की एक कॉलोनी होती है, जैसे कॉरल होते हैं। ये हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। नेशनल ओशियनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ये समुद्र में काफ़ी गहराई में भी रहते हैं और कम गहराई में भी इनका भी इकोस्केल्टन जैसे दशा होता है। साल 2012 में केमिकल जियोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे लंबी उम्र वाला ग्लास स्पॉन्ज 11,000 साल पुराना है। नंबर 1, हाइड्रा बेहद छोटे जीव होते हैं। इसका शरीर बेहद नरम होता है। कई बार तो ये जेलीफिश जैसा दिखता है। हाइड्रा संभावत अमर होते हैं क्योंकि वैज्ञानिक आज तक इनका उम्र का सही अंदाज़ा नहीं लगा पाए हैं। ये अपने बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक बीमारियां या नुकसान नहीं दिखाते। ये आमतौर पर स्टेम सेल से बने होते हैं जो लगातार खुद ब खुद
दोबारा पैदा होती रहती है। तो दोस्तों, आज के ये जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए, और मेरे वीडियोस को जितना हो सके लाइक और शेयर कर दीजिए, और जल्द ही एक नए वीडियो लेके मिलते हैं, और तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।